हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी गेटिंग टू नो प्लांट्स की, जिसमें अपन बात करेंगे सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में इस टाइम अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन बात करेंगे लीप्स के बारे में। देखिए, लीप्स की अगर मैं बात करूँ तो लीप्स को हम कह सकते हैं एज ए फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। क्या कह सकते हैं? एज ए आप कह सकते हैं इसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, क्योंकि प्लांट्स के लिए फूड प्रोवाइड करती है लीव्स। क्योंकि लीव्स का कलर होता है ग्रीन, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं। उसी फूड को ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे ऑटोट्रॉप्स हैं चाहे एटोट्रॉप्स हैं, वो उसी फूड को एक तरीके से उनके न्यूट्रिएंट्स का काम यही करता है। अगर हम बात करें तो ये थिन, फ्लैट और ब्रॉड होती हैं। कैसी होती हैं? थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं और ब्रॉड होती हैं। और ये स्टेम के आउट ग्रोथ होती है, यानी स्टेम से निकली हुई रहती हैं लीप्स की अगर बात करें। अगर हम बात करें कि स्टेम से जो लीप्स जिस पार्ट से निकली होती हैं उस पार्ट को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। नोड वह पार्ट होता है स्टेम का जहां से लीफ अराइज होती हैं, निकली हुई होती हैं। बात करें कि ओल्ड दो तरीके की लीफ्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो स्टेम जब ग्रो करता है तो न्यू लीव्स, जिनको कहते हैं यंगर लीव्स, वो अराइज होती हैं। और ये जो यंगर लीव्स है ये स्मॉल होती हैं साइज में, छोटी होती हैं काफ़ी। और एक होती हैं ओल्डर लीव्स, और ये ओल्डर लीव्स जब ये स्मॉल लीव्स के बाद स्टेम और ग्रो करता है तो ये जो यंगर लीव्स है यही कन्वर्ट हो जाती हैं ओल्डर लीव्स में। जो ओल्डर लीव्स होती हैं ये काफ़ी बिग होती हैं, बड़ी होती हैं, बिगर देन यंगर लीव्स, यंगर लीव्स से बड़ी होती हैं, ग्रीन इन कलर, यानी कि ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? दोनों ही ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि यहाँ पाया जाता है ग्रीन कलर की। क्यों होती हैं ये जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, और इस पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है यही रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम और बात करें इसके बारे में तो पार्ट्स ऑफ लीव की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ लीव्स। पार्ट्स ऑफ लीफ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है पेटियोल। देखिए, अगर मैं एक लीव का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ समथिंग ऐसी होती है लीव्स। ठीक, ये इस तरीके से एक पार्ट होता है स्टेम का, उससे जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो आपको जो दिख रहा है स्टेम से लीव को जो कनेक्ट करने वाला ये पार्ट होता है स्टॉक कहलाता है, या स्टॉक जैसा एक पार्ट होता है, और इस स्टॉक जैसे पार्ट को ही कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल इसको ही कहा जाता है। कुल मिला के लीव्स जो स्टेम से कनेक्ट होती हैं उस पार्ट को, जिस पार्ट से वो कनेक्ट होती हैं उसको क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। नंबर सेकंड अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर सेकंड है लेमिना। क्या है? लेमिना। लेमिना है नंबर सेकंड पार्ट जो लीव्स का होता है। और अगर हम बात करें ये जो आपको जो ये चारों तरफ जो लीव्स का जो ये पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है लेमिना। क्या कहलाता है?
लेमिना कहलाता है। लेमिना की बात करें तो ये मेजर पार्ट है लीफ का, यानी ज़्यादातर जो लीफ का हिस्सा है वो लेमिना ही कवर किए हुए है। एक्सटेंडर और स्ट्रेच पार्ट है, यानी कि काफ़ी फैला हुआ एक हिस्सा है लेमिना लीफ का। दिख रहा है आपको पूरा जो एक जो एरिया है वो लीव का ज़्यादातर लेमिना ने ही कवर कर रखा है, इसलिए इसको एक्सटेंडेड या स्ट्रेच्ड पार्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड पार्ट। ठीक, लीव का एक्सटेंडेड और स्ट्रेच पार्ट होता है लेमिना। अगर हम बात करें, ये होती है ग्रीन कलर की, मोस्टली जो है लेमिना जो है वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल की, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और जनरली मोस्टली ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की ही पाई जाती हैं। देखिए, अगर हम बात करें लीव्स की तो कई ऐसे भी हैं, जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस के अंदर जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में, यानी कांटों में। क्यों होती हैं? क्योंकि जहाँ पर ये कैक्टस पाया जाता है वहाँ पर, उस जगह को कहते हैं मरुस्थल यानी डेजर्ट, और डेजर्ट में वाटर की प्रेजेंस कम होती है। बिकॉज क्योंकि पानी क्योंकि कम पाया जाता है, इसलिए इनमें जो लीव्स हैं वो नहीं पाई जाती, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में। क्यों हो जाती हैं? जिस क्योंकि लीव्स ज़्यादातर पानी को क्या है, ट्रांसपोर्ट कर देती है, सॉरी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालती है, तो लीव्स नहीं पाई जाती, जिससे कि इन कैक्टस के अंदर वाटर जो है वो स्टोर रहता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं पानी ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर नहीं होता। और ये जो लेमिना है यही वो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि यही वो पार्ट है जहाँ फोटोसिंथेसिस को अंजाम दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस जिसके द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। अगर हम बात करें तो कई बार क्या है, वैसे तो जनरली ये ग्रीन कलर की होती है, पर कई बार क्या है लीव्स जो है वो डिफरेंट कलर्स की भी पाई जा सकती हैं, डिफरेंट इन कलर। तो ऐसी लीव्स जो कि अलग अलग कलर की पाई जाती है, वाइट है, पर्पल है, जो भी एक्स वाई जेड जैसी भी लीव्स हैं, उनको वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। कैसी लीव्स? वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है ऐसी लीव्स जो कि ग्रीन कलर के अलावा कई और कलर्स की पाई जाती हैं। इस लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं। लेमिना को क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। कई बुक्स में आपको लीफ ब्लेड देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई हमारी अपनी लेमिना के बारे में। सेकंड पार्ट था लेमिना, मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर बात करें मिड रिब्स और वेंस, नंबर थर्ड अगर पार्ट की अपन बात करें तो थर्ड पार्ट है मिड रिब्स, मिड रिब एंड वेंस। देखिए, लीव्स में जो आपने ये देखा पेटियोल, पेटियोल आगे चलकर ये ऐसे करके लीव्स के अंदर आ जाता है, इस पार्ट को कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। और इस मिड रिब से काफ़ी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, और ये ब्रांचेस फैली रहती हैं लीव्स में इस तरीके से। इनको कहा जाता है वेंस, और इन वेंस का काम है वाटर मिनरल्स जो रूट से आ रहा है उनको लीव्स तक पहुंचाती हैं। वाटर मिनरल्स को क्या करती हैं? लीव्स तक पहुंचाती हैं। और जो ये लीव फूड तैयार करेंगी, क्या तैयार करेंगी? फूड। इसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम ये वेंस ही करती हैं। देखिए, अब जैस लीव्स के अंदर ये जो मिडरिब सॉरी वेंस जो हैं, इनके अरेंजमेंट के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेंस, तो इन वेंस के अरेंजमेंट वाइज जो लीव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट होता है इसमें रेटिकुलेट, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। एक होता है पैरेलल लीफ वेनेशन।
अगर हम बात करें रेटिकुलेट की, देखिए कई लीव्स आपने देखी होंगी, जैसे पीपल वगैरह की लीव्स, नीम वगैरह की लीव्स होती हैं, उनके अंदर जो ये वेन है ये अपना जाल जैसा बना लेती हैं। इस तरीके का अगर लीफ के अंदर वेन्स का स्ट्रक्चर है तो ऐसे को कहेंगे रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मैंगो, नीम और भी बहुत सारे पीपल वगैरह जो होते हैं। पैरेलल की बात करें तो कई लीव्स कुछ इस तरीके की होती हैं जिनमें जो ये वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्रिस क्रॉस नहीं होती। इस तरीके की लीव्स को कहा जाता है, या इस तरीके के वेनेशन को कहा जाता है पैरेलल लीफ वेनेशन। और अगर बात करें तो बम्बू, बनाना, सुगर केन, इनमें जो ये मेज, इनमें जो लीफ वेनेशन होगा वो पैरेलल लीफ वेनेशन होगा। तो ये बात हुई अपनी लीव्स के बारे में। अभी हम और लीव के देखिए फंक्शन है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस थोड़ा बड़ा है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है लीफ में उसके बारे में बात करेंगे। कल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।